नमस्कार दोस्तों, तिरुपति बालाजी मंदिर की कहानी। दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध बालाजी का मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिले के तिरुपति के पास तिरुमाला पहाड़ी पर स्थित है, जहां पर भगवान श्री हरि विष्णु की वेंकटेश्वर के रूप में पूजा होती है। भगवान श्री वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती रो माता लक्ष्मी का ही एक रूप है के साथ निवास करते हैं। आइए जानते हैं तिरुपति बालाजी के संदर्भ में विस्तार से उनकी कहानी, और साथ में हम ये भी जानेंगे कि भक्त वहाँ पर अपने बाल क्यों चढ़ाते हैं, क्यों अपने बालों का दान करते हैं। दोस्तों, इसके पीछे कहानी ये है कि आदि काल में धरती पर जल ही जल हो गया, यानी पैर रखने की भी जगह नहीं थी। कहते हैं ऐसा इसलिए हुआ कि पवन देव ने भारी अग्नि को रोकने के लिए एक विशाल रूप में उड़ान भरी, जिससे बादल फट गए। इतनी बारिश हुई कि धरती जलमग्न हो गई। धरती पर पुनः जीवन का संचार करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने वाराह अवतार लिया। उनके इस अवतार ने जल के अंदर से धरती को अपने तुष्क का उपयोग करके वापस खींच लिया, और ब्रह्मा जी के योग बल से पुनः लोग यहाँ पर रहने लगे। लोगों को ध्यान योग और कर्म योग जैसे ज्ञान और वरदान देने का फैसला लिया गया, और बालों के संदर्भ में ये माना जाता है कि भगवान श्री वेंकटेश्वर ने कुबेर से कुछ ऋण लिया था। एक कथा के अनुसार भगवान वेंकटेश्वर की पत्नी पद्मावती से विवाह तब हुआ क्योंकि उस समय परंपरा ऐसी थी कि वर को शादी से पहले कन्या के परिवार को कुछ शुल्क देना पड़ता था, लेकिन भगवान वेंकटेश्वर के पास शुल्क देने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने कुबेर से कुछ ऋण उधार लेकर पद्मावती से विवाह किया था, और वचन दिया था कि कलयुग के अंत तक वो कुबेर का सारा धन लौटा देंगे। और साथ ही साथ उन्होंने देवी लक्ष्मी की ओर से भी ये वचन दिया था कि जो भक्त गण उनका ऋण लौटाने में उनकी मदद करेंगे, लक्ष्मी माँ उनसे 10 गुना ज्यादा धन उनको देगी। इसी कारण तिरुपति में भगवान विष्णु भगवान में आस्था रखने वाले लोग अपने बालों का दान देकर भगवान विष्णु के उस कुबेर से लिए हुए कर्ज को चुकाने में उनकी मदद करते हैं। दोस्तों, कहानी बहुत ही दिल को छू लेने वाली है। अगर आप भगवान श्री हरि वेंकटेश्वर के भगवान श्री हरि विष्णु के भक्त हैं, तो ये काम आप भी अवश्य कीजिए। आशा है ऐसा करके आप धर्म लाभ जरूर उठाएंगे। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।